अगर ठीक करा चाह तो हमार नाम लीन चाह तो बेटा, तो तुम चेला जतने हमारा अगर हमका मानत हो तो तुम सब जने हमका नान नान काट डारो, हमका नान नान काट डारो, सब जने सौ सौ ग्राम हमार गोश ले ले। अब गोश लेके अलग अलग पकाए पकाए जाओ खाए। तो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम जतनी विद्या हमारे शरीर में है वतने विद्या तुम्हारे हो जाए बिना पढ़े लिखे। अब मान लो बेटा अगर यह बात मान ले हो तो तुम्हारे काम आई। चेला कहा लग लाओ गुरु जी का नान नान काटे, तो सब जिंदा गुरु जी का काट गए और अत्ता अत्ता गोश सब लेन बांटे। गंगा जी के किनारे चढ़ा दी गई हड़िया भैया और गोश पाके लाग। भैया 1400 हड़िया पकने लगी, तनुक तनुक धुआं उठान तो यू मान ले मुख्यमंत्री उतरैया। सब कहा लाग हमारी जान में एक बाबा मारे नहीं मरते रहे और जो ये खा लही सब तो भैया हो जाए 1400। तो कीका कीका मारब कीका कीका राखब। आए गो बूढ़ा ब्राह्मण बन के सटका टेकत आए होए, बूढ़ा भेष ब्राह्मण बना करके सटका टेकत आए होए। सब चेलन को डांट दिया कहो कौन ने खाए होए, को खावा है। सब चेला कहा लाग गुरु जी खाए नहीं है भाई, खाए नहीं चुर रहा है चुर रहा है। जब कहा चुर रहा है चुर रहा है, हाँ चुर रहा है। कोई तक खाए न लिहो नहीं सांप क्या डसा है, और सांप क्या डसा जानते हो? सांप मरी मार डारो और सांप के रे मुहिमा गन्ना बोई दो, गन्ना बोई दो सांप के यहां मारी के मुहिमा गन्ना बोई दो, और वो गन्ना बोई दो गन्ना चूसे, अब गन्ना जो कहे वो चूस ले तो बताओ तो गन्ना चूस ले मरी जाए। सही है बताओ तो गन्ना जो कोई चूस ले तो आदमी मरी जाए। अगर कोई खा ले हो गुरु जी का गोश तो मरी जाई हो, और गुरु जी सोचा जब हम मर गए तो चेला का है बचे, इनका सबका ले जाई संग है। तो जो कोई मरा चाहत हो तो बताओ। सब चेला कहा लग नहीं नहीं खाब नहीं गुरु जी, गुरु जी हुई है यहाँ फेंक दे समय हड़िया वैसी कहाँ फेंक दी तालाब में गौ। तो नदी रहे वह मैं है सब भैया उठाए उठाए ये फेंक दिया। लेकिन एक बात बता दी, आज के 22 साल पहले हम भजन गावा रहन छोटे पर, उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा रे, है जगत में जिसका जगत पिता जी का भगवान रक्षक का को भक्षक। चक्कर खाए डूब गई हड़िया सब गप गप गई बूढ़ी, लेकिन भगवान किस्मत भैया डूबी नाए बची एक हड़िया, लेकिन याक जो हड़िया रहा है वह भैया गए बची। वाह धीरे धीरे बहत समुद्र में, धीरे धीरे बहत समुद्र में, अरे बंगाल लो आई है भैया हड़िया बहते बहते। कुछ लड़कियां बंगाल के लिए ही रहे नहाए, उमा याक लड़की रहे रैदासन के, एक लड़की थी रैदासन की नाम था लोना। देखा हड़िया बहती चली आ रही तो वह लपकत गए भैया, और जब देखी इसका वो इमा चुरा चुरा हुआ गोश वहां भकर भकर लगे खाए। धीरे धीरे बहत समुद्र में बंगाले लो अरे पकड़ लो उस चमारी ने, पकड़ ली न उस चमारी ने पगले उसको बंगाल
आलम छाई आज कर क्रोध कला फैलाई और इसी बीच में हमारे भैया वाह भाई वाह घर मालिक 200 रुपया सोनिका यादव भिट्ठा दरावा से वाह भाई वाह घर मालिक आएंगे आज तक का नहीं बताओ 7 दिन हो गए बहुत अच्छा भैया एक सोहर की मांग 200 रुपया वाह भाई वाह भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे और कई काम उत्सव भये हैं भैया इन्होंने सोचे भाई खूब खावा है तो एक कोई काम भा मुड़ना भा मुड़ चटना भा लौंडे चदना भा औका ये काम नहीं निपटावागा है आज हवन भवा आओ वही देखो कहाँ का होए है ना बड़ा आनंद की बात है घर मालिक जी की तरफ से 200 रुपया आए और भगवान से कामना करता हूँ ईश्वर कृपा करे एक सोहर की मांग है तो दीदी जी ने भी सोहर कहा है और ये भी सोहर हो गया सोहर एक कोई आए तब गए तो बहू गई थी यहाँ कहीं फिर निपटा दिया भाई ना हाँ अच्छा तुम्हारा दूसर है लिखा दूसर है कतना टिकोरी कहती हमारे दूसर है हमारा दूसर है लिखा दूसर है देखो बताइए मेरे सुन लक्ष्मी नारायण भगवान की भैया आओ सुना दे तो अभी सुना देंगे अब आगे की कथा थोड़ी सुन लो जल्दी 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 बता दें फिर आगे बात बता दें हाँ कहाँ पर पहुंचे अब गुरुदेव अब वह भैया जो लोना चम्मारी थी जैसे गुरु जी का मांस खाया तो वह भैया तीनों लोक जान गए सब जादू जान गए जतनी गुरु जी मां शक्ति वतनी विद्या हुई क्यों इस कथा के गायक हैं बीधेराम बाबा बीधेराम बाबा जी कहते कि ऐसे करके बंगाल में विद्या आज भी है जादू अगर है तो बंगाल में है बंगाल का जादू कोई भी विष झारा जाए कौनो मंत्र बोला जाए उतारे वाला टोना वाला टंबर वाला टोना काटो टंबर काटो डीढ़ काटो मोड काटो हरेवास की कोड काटो हसनी बयार रोनी बयार खिसन करनी बयार ये सब बयारी है लड़का कहे दावा करती हैं तो आज उसका आखिरी में दुहाई लगती है लोना चम्मारी की अगर लोना चम्मारी की दुहाई ना लगी हो तो आपके ऊपर वो मंत्र काम नहीं करेगा बिस्मी काम नहीं करेगा ए अब भैया यह सब काम हो ही गवाओ नवलदेव बेहोश पड़ी थी आंख खुली तो आंख खुलते ही उसने सपना देख लिया क्या सपने में अगर जिसको हम चाहते हैं जी के ऊपर कभो संकट दुखवा जाएगा तो रामायण कहती है कि तुम्हारे पास बिना बताए खबर पहुंची राम जी बनका चले गए भरत जी कश्मीरम स्वामी नाना कुआं राम जी बनका चले गए राजा दशरथ जी मर गए राजा दशरथ की आत्मा भरत जी को बताया कि भैया हमारी आत्मा स्वर्गम जा रही तुम कश्मीर से अयोध्या आओ राजा दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दुनिया की सत्य कहो मैं 70 साखी तो जिसको तुम चाहते हो और उसकी आत्मा तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी ये प्रमाण ना कभी गया है ना कभी जाएगा नवलदेव बेहोश हो गई थी देखो लगन है कि गुरु आएंगे मेरे पति को जिंदा करेंगे लेकिन 2 मिनट के सपना में दोपहर में बात हुई थी कि अगर 2 मिनट में अगर आपकी आंख बंद हो जाए और 2 मिनट में आप भयंकर सपना देख लो सपना सत्य है क्या देखा नवलदेव ने सपने में सपना देखो नवलदेव दसे भ्रात गुरु जाए चेलन ने तन राम के हड़िया दही बाय नवलदेव ने सपने में देखा कि मेरे भैया ने गुरु जी को भी डस के और उनकी विद्या बंगाल में पहुंच गई बंगाले में जाए गुरु की विद्या छाई रोवे छाती फार सजन कोई ले जी आई
नवल दे भैया रोने लगी कि अब बताओ कोज आवे कैसे कहाँ करे। अतना बैर पति को डसा, पति को डसा। मैके में गई राजा बासुक ने लाश को दब तक बाहर फिकवा दिया। गुरुजी के खबर पास भेजा, गुरुजी जिंदा आ रहे थे तो गुरुजी का डस लिया और उनकी लाश को कटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया और विद्या बंगाल में पहुंच गया। इतना बहर, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नवलदे ने विचार किया, मेरे अगर गुरु की विद्या बंगाल में है तो मैं अपने पति को लाश लेकर के और बंगाल में जाकर के जिंदा कराऊंगी। इसको कहते हैं सच्चा लगाओ। समुद्र के किनारे लाई लहास को, घर नई तरीके की बनाती है, उसे तरीके की बना करके वो बढ़िया नाव जैसी बना करके, जैसे वो चाहली जैसी होती है ना, उसी पर बना करके लहास को रख लेती है और उसी के ऊपर बैठ लेती है और नदी में डाल देती घर नई को और घर नई लेकर के चल पड़ी। बंगाल को जा रही अपने पति को जिंदा करने के लिए। सुन लो भैया, नारी वह लहास अकेले है, नारी जाती है वह मरी लहास है, वासन पानी है, मोबाइल तीर नहीं, उजेरव है नहीं। रात 12 बजा हो, सनसनात रात हो, अगर सुनने वाला अगर प्रेमी है तो उसका दिल थर्राए उठी। रात के जब 12 बजे तो रात सन्नानी, सब नवलदे को डरने लगा, डर लगने लगा। ए भैया, आधी राती निशा सन्नानी, आधी राती निशा सन्नानी, करो जो नव भयो वर्रा चो, आधी राती सहारा दे। आधी रात निशा सन्नानी, अरे कर जो नव भयो वर्रा चो, कैसे रहने कटे मोर सैया, कैसे रहने कटे मेरे स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बांटो। नवलदे ने कहा कि स्वामी रात कैसे पार हो, हमका कुछ सहारा दो, हमका धीर बनाओ, ने हम मर जा। तो कहते हैं कि लहास के अंदर से क्या आया शब्द, लहास एकदम घुरघुराने की आवाज दिया, दिया हुकारा लास ने, त्रिया गयो दृढ़ आए, दृढ़ माने थोड़ा धीरज होएगा कि हमारे पति के लाश जिंदा है, लेकिन लोग कहते हैं कि परीक्षित तो मर चुके थे, कोई लहास के अंदर वो तक्षक छपा जा रहा है। बताओ बता नहीं दुश्मनी, लहास हम घुसा जा रहा है कि हमो जिंदा नहीं हो जाप। अतना बैर का है भाई, लेकिन सहारा मिल गया कि अब मेरे पति अभी जिंदा है। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए, बहत बहत दरियाओं में कमरू पहुंची। धीरे धीरे लहाश बंगाल के किनारे पहुंची, बंगाले में जाए ए लगारे लगाया, रात भर की जगी थी, घाट पर उतार के लाश रख दिया। बिचारी रात भर जो कोई जागा हो तो तनकों आंखी मूंद जाती, तो भी सो जाती, आंखी मूंद गई,
बंगाल की कुछ लड़कियां आई पानी भरे तो देखे की लहास बड़ी सुंदर है मरी भरे। बताओ आप लोग इतना ध्यान दो कि मरा भावा आदमी फारी फारी खाए लागत, मरा आदमी फारी फारी खाए लागत, और तक परिचित मरीगे हैं और मरे के बाद बहुत जने क्यार दिलो आय बड़ा नीक लगा जो जिंदा है कहा करते है वो हिमायु लड़की न मैं यहाँ या का लबरी रहा है बहुत ही लबरी होती हूँ लबरी देखो बिहार होते कलेवा खाए लड़का जा रहा तो जो लबरी होते वह वरौनी के रठाड़ हुई बरामदा करे छज्जक भलमा आई बहुत नीक लागते हैं नीक बहुत लागते हैं यह तनका हमारे होत गुड्डवा आए हमार तो गड्डवा गड्डवा ही है हाँ यह तनका हमारे होते लबरा लबरा लबदाऊ गलत बताए वल्लहास परी ये परिचित की लड़कियां आई कह लगी बहनी का पति है अब या डॉक्टरी करावे आई बेचारे ठीक है लेकिन वही माँ या कर है चट्टी नाव बताई रहे धोबिनी का नाव रहे गंगुइया लगी पार से लास घाट पे आए टिकानी कमरों के नर नार देखवे आए रानी सुगंगो धोबिन जादू कई कई लई गई लाश चुराए। उसने अपने जादू के द्वारा परिचित की लाश का अपहरण कर लिया और लहास लई कई लाश बहलमा पहुंची और खुशी मनावे जाए के करत का है अपनी जोरदार विद्या का मालूम है कि भैया परिचित की लाश को नौमी लाल लहास क्या करती है लादती लादे रोज भूप पे लाद पे लादे रोज भूप पे जाए घाट पर धोवत दिनमा बनावे गदहा घर भरे के लादे कपड़ा घाट पर धुआवे हुई घूरे पर चल रहे और रात में यहाँ गदहा से ने जौन जू चाहे तो बना हुए लादत लादे रोज भूप पे जाए घाट पर धोवती है धोबिन भैया परिचित की लाश को गायब कर दिया। जब नवलदे की आंख खुली देखे मेरे पति की लाश गायब। अब बताओ पति को 3 महीने का गर्भ है ये बातें ध्यान दो 3 महीने का गर्भ है बच्चा पेट में है पति की लाश को लेकर के पिता के भवन गई लाश कबाड़ खाने में फेंक दिया। खबर गुरु जी के पास पहुंची तो भाई ने गुरुजी को जहांदन पहुंचा दिया। लहास नाव पर रखा लेके बंगाल में पहुंची तो यार चोटी आई लहास उठाए ले गए। अब बताओ इसे बड़ा कोई दुख मिली का यूस बड़ा कोनो दुख हो चाहिए भैया रोने लगी घाट पर। दुनिया सब याक तरीकी नहीं हो भैया दुनिया में बहुत ईमानदार परे हैं बहु निकल देख लो चल के देख लो बहुत दुनिया में ईमानदार परे हैं अब बहुत दुनिया में वही बेईमान परे हैं। लखनऊ में आप चले जाओ अच्छे तरीके सबसे व्यवहार अदा करो कोई तुमका ऐसा आदमी मिल जाए तुम्हारा झाड़ा झटका 2 मिनट हम गायब कह दी और कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुमका माला माल कह दी तुमका। एक हमारे दोस्त रहे भैया हमारे दोस्त रहे तो ये बेचारे रक्षा चलाओ रहे एक बाबू जी मिल गए तो बरसत रहे पानी तो रक्षा पर बैठा लें तो पूछेला भैया कहाँ जात कहाँ ना हो रोवेला कहला का करे बाबूजी परिवार चलेते हैं रक्षा चलेते हैं बाबूजी का दया आ गए कहला भैया रक्षा बंद करो आज से तुम हमारे घर में रहो। घर में रहेला तो आज 80,000 रुपया महीना नौकरी उनकी है
सात भाई रहा सात तो भाई नक जब एक जना में ज्वाइंट होगा तो सात तो भाई नक लगा दीस। आज सात घर बने, एक घर बना आलमबाग नहरिया में, यहाँ नहरिया पर बना है, और एक घर बना है कैसर बाग में, यहाँ एक घर बना है तेली बागम, एक घर बना है मोहनलालगंज में, यहाँ है ना।